हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करूंगी सीरम एमाइलेज के बारे में। तो चलिए जानते हैं सीरम एमाइलेज क्या होता है। तो सीरम एमाइलेज एक एंजाइम है या फिर एक प्रकार का प्रोटीन भी कह सकते हैं। हमारे बॉडी में एमाइलेज का 40% हिस्सा हमारे पेनक्रियास के द्वारा तैयार किया जाता है और बाकी के एमाइलेज हमारे सलाइवा ग्लैंड से आता है। पेनक्रियास हमारे पेट का ऑर्गन होता है। पेनक्रियाज जो है वो कई प्रकार के एंजाइम को तैयार करता है और वो एंजाइम हमारे भोजन को पचाने में मदद करते हैं। कई बार यह प्रोसेस किसी वजह से प्रभावित हो जाता है जिसके वजह से बहुत कम या फिर बहुत ज़्यादा एमाइलेज बनता है। बॉडी में असामान्य एमाइलेज बनने का मतलब बॉडी में पेनक्रियाटिक डिसऑर्डर हो सकता है। तो चलिए जानते हैं किन कंडीशन में सीरम एमाइलेज बढ़ जाता है। तो सीरम एमाइलेज पेनक्रियास की बीमारियों में बढ़ जाता है, जैसे एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस। इन कंडीशन में सीरम एमाइलेज बढ़ जाता है। सीरम एमाइलेज एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी बढ़ सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रिक अल्सर में भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ड्रग्स हैं जिन्हें लेने से सीरम एमाइलेज बढ़ जाता है। सीरम एमाइलेज टेस्ट बॉडी में ब्लड का टेस्ट करके किया जाता है। बॉडी में एमाइलेज का पता लगाने के लिए यह टेस्ट किया जाता है। अगर डॉक्टर को आप में पेनक्रियाटाइटिस का डाउट होता है तो वह सीरम एमाइलेज टेस्ट करवाने के लिए कहते हैं। सीरम एमाइलेज का लेवल पेनक्रियाटाइटिस में बढ़ जाता है। सीरम एमाइलेज टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल की ज़रूरत होती है, जो कि पेशेंट के हाथ के नसों से लिया जाता है। इस प्रोसेस में बहुत कम टाइम लगता है। तो चलिए जान लेते हैं सीरम एमाइलेज का नॉर्मल रेंज कितना होता है। सीरम एमाइलेज का नॉर्मल रेंज 28 से 100 यूनिट पर लीटर होता है। सीरम एमाइलेज का नॉर्मल रेंज अलग अलग लेबोरेटरी के मुताबिक कम या ज़्यादा हो सकता है। सीरम एमाइलेज टेस्ट करवाने के लिए कोई खास प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार कभी भी ब्लड सैंपल दे सकते हैं।